दोस्तों, मैं रितेश एलआईसी एडवाइजर। मेरे यूट्यूब चैनल को देखने वाले सभी लोगों का मैं दिल से आभार और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप एलआईसी के एडवाइजर हैं या विकास अधिकारी हैं, तो आपसे मेरा सिर्फ यह कहना है कि आने वाली जो वीडियो है, खासतौर से जीमेल से संबंधित, अब इस वीडियो को मिस बिल्कुल ना कीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि जीमेल के जरिए आप अपने वर्क को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो कुछ टिप्स, कुछ जानकारी, कुछ सेटिंग मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसके जरिए कि मुझे ऐसा लगता है कि इसका लाभ आप अपने बिजनेस में अच्छा ले सकते हैं। जानकारी बहुत छोटी छोटी है, लेकिन उसके फायदे आपको बड़े मिलेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि बटन लेवल को कैसे एक्टिव किया जाता है या टेस्ट लेवल को कैसे एक्टिव किया जाता है। तो सबसे पहले बात आती है, यह बटन लेवल या टेस्ट लेवल है क्या। तो यदि आप अपने जीमेल के अकाउंट को अगर आपने ऑन किया हुआ है, आपने लॉगिन कर रखा है, तो यह जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं यह जीमेल का डैशबोर्ड है। इसमें अगर ऊपर की ओर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ एक बॉक्स जैसा बना है, इसके बगल में एक गोले का आकार बना हुआ है और इसके बगल में मोर लिखा है। यह जो गोले का आकार बना हुआ है, इसको रिफ्रेश बटन कहते हैं। अगर आप किसी मेल को आप सेलेक्ट कर लीजिए तो यह कई तरह की बटन आपको दिखाई देने लगेगी, इस तरह से भी दिखाई देने लगेगी, और यदि किसी मेल को आप ओपन कर दीजिए तो भी यह सारी की सारी बटन हाईलाइट हो जाएगी, दिखाई देने लगेगी। और यदि आप नॉर्मल वे में रहते हैं तो यह जो बटन एक्टिव हुई थी, देखिए वो सारी की सारी बटन छिप चुकी है। अब समस्या क्या आती है? समस्या यह आती है कि यदि आप न्यू यूजर हैं और आपको जीमेल के विषय में पूरी जानकारी अगर नहीं है, तो कभी कभी यह दिक्कत या समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है कि यह जो बटन बनी हुई है, यह किस चीज की बटन है, यह आपको समझ में नहीं आता। तो इसको जानने के लिए एक बहुत ही सीधा और आसान रास्ता यह है कि आप इसके ऊपर अपना जो कर्सर है, माउस का, आप इस कर्सर को लेके जाइए और यह आपको बताएगा। जैसे ही कर्सर ले जाकर वहां पर थोड़ा सा आप वेट करेंगे, यह बता देगा कि यह बटन किस चीज की। जैसे मैंने अभी इस बटन पर ले जाके कर्सर रखा है तो शो कर रहा है आर्चीव, यानी यह जो बटन है यह आर्चीव की बटन है। इसके जस्ट बटन बगल में रिपोर्ट स्पैम है। तो अब इस कंडीशन में है क्या कि अगर आपको बीच में कोई काम करना है इस मेल के अंदर, तो अब आपको ढूंढना पड़ेगा, जिससे कि आपका काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। और एलआईसी एजेंसी में या फिर विकास अधिकारी की लाइफ में अगर सबसे ज्यादा कोई कीमती चीज है तो वो है टाइमिंग। हमारा समय बहुत कीमती है, हमको समय को, अपने समय को सेव करना है। तो इसके लिए हम एक्टिव करते हैं बटन लेवल। इसके लिए क्या करना होगा, यह राइट हैंड साइड में जो गियर का आइकन बना हुआ है, इसके ऊपर माउस ले जाते हैं और माउस ले जाकर जैसे ही क्लिक करते हैं, या सेटिंग के ऑप्शन पर हम चले जाते हैं। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करते ही यह सेटिंग का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन जनरल का है। इस जनरल टैब के अंदर हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और आप ध्यान दीजिएगा तो इसमें बटन लेबल्स नाम का एक ऑप्शन आ जाएगा। इस सेटिंग में अगर आप देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट आइकॉन सेलेक्ट होता है, इसको चेंज करके टेक्स्ट पर सेलेक्ट कर लीजिए और टेक्स्ट पर सेलेक्ट करने के बाद सेव चेंज पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यह जो बटन थी आर्चीव की, आर्चीव की बटन हट गई और यहां पर डायरेक्ट लिख रहा है आर्चीव, यहां पर डायरेक्ट स्पैम लिख रहा है, यहां डायरेक्ट डिलीट लिख रहा है, यानी अब आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका फायदा आप अपने मेल में इस सेटिंग का बेनिफिट आप उठा पाएंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है उसका उत्तर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और यदि आप चाहते हैं कि हमारी जो वीडियो है, इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे, तो आपको हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। हमारे चैनल पर एलआईसी से रिलेटेड तमाम तरह की जानकारियां उपलब्ध होती हैं और ये जानकारी बिल्कुल फ्री होती है। तो आप इस तरह की जानकारी अगर चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को, या सब्सक्राइब की बटन है, सब्सक्राइब की बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
या फिर वीडियो अगर प्ले हो रहा है तो इस वीडियो में देखिए यह वाटरमार्क होता है, इस वाटरमार्क पर जैसे ही माउस लेकर जाते हैं सब्सक्राइब का जो बटन है वो हाईलाइट हो जाता है, इस पर क्लिक करके भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों मुझे पता है आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस वीडियो को देते हैं ताकि आपको कुछ जानकारी हो सके और उसका उपयोग आप अपने बिजनेस में अपने व्यवसाय में करके आप उसका फायदा उठा सकें। तो मेरा भी यह प्रयास होता है कि अच्छी से अच्छी जानकारी मैं आप तक उपलब्ध करा सकूं जिसका कि बेनिफिट आप अपनी लाइफ में ले सकें। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, क्या यह आपके लिए उपयोगी है, तो आप अपनी जो सोच है, आप जो आप इस वीडियो को देखकर जो महसूस कर रहे हैं इसको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।